पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है। गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। गोवा चुनाव को लेकर टीएमसी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए अन्य पार्टी से नेताओं को तोड़ने में लगी थी, लेकिन इसी बीच पांच नेताओं ने एक साथ टीएमसी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ छोड़ने का ऐलान किया बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के रणनीति पर सवाल भी खड़ा कर दिया है। दरअसल मिल रही जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने वालों में पूर्व विधायक लवू मामलातदार के अलावा राम मांडरेकर, किशोर परवार, कोमल परवार और सुजय मलिक शामिल है। टीएमसी छोड़ने के बाद लवू मामलातदार ने पत्र लिखकर कहा, हम टीएमसी में इस उम्मीद के साथ शामिल हुए थे कि यह गोवा और गोवावासियों के लिए उज्ज्वल दिन लाएगी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी गोवा और गोवा के लोगों को नहीं समझ पाई है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी के रणनीतिकार और इपैक के मुखिया प्रशांत किशोर को भी घसीटा गया है। दरअसल लवू मामलातदार ने ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जिस कंपनी को आप सभी ने गोवा में अपने अभियान के लिए काम पर रखा है, वह गोवा के लोगों को बेवकूफ बना रही है। वे गोवा के लोगों की नब्ज नहीं समझ पाए हैं। जब टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्थान में विफल रही है, तो हमें नहीं लगता कि यह गोवा के हमारी माताओं और बहनों के लिए कोई अच्छा काम करेगी।